तुम खेल, तुम्हारा मन लगा रहेगा। इसीलिए कुरान में, बाइबिल में स्त्रियों के लिए मुक्ति का स्थान नहीं है। हाँ, और आठवीं सदी तक ये प्रश्न चर्च के अधीन था कि स्त्रियों में भी आत्मा होती है कि नहीं होती है, बस नहीं। हाँ, आज भारत की देवियां जो हैं वो कहती हम तो पुरुषों की बराबरी करेंगे क्योंकि पश्चिम की निकल आ रही है। अरे पश्चिम में तो उनमें आत्मा ही नहीं मानते थे भले आदमी उनको तो आज भी अधिकार नहीं है, आज भी अधिकार नहीं है उनको, क्योंकि वो तो पुरुष के क्रीड़ा की वस्तु है, परमात्मा ने बना करके दिया है पुरुष को कि ये तुम खेलो इनसे, वो केवल पुरुष के लिए क्रीड़ा की सामग्री है, वो उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं, कोई और कोई उपयोगिता नहीं है। कि बाइबल के भी यही सिद्धांत है, कुरान का भी यही सिद्धांत। और आगे देखिए, अब जब वो एडम और उसको जो स्त्री बना उसका नाम रखा ईव, तो एडम और ईव वहां रहने लगे। तो एक दिन एडम कहीं गया था घूमने, इतने में एक सांप आया वहां, सांप, सांप ने ईव से कहा कि तुम ये सारे वृक्षों के फल खाते हो, इस वृक्ष का फल क्यों नहीं खाते। कहा कि ये परमात्मा ने मना किया है कि नहीं खाना। कहा इसलिए मना किया है, यदि तुम इसका वृक्ष खा लोगे, फल खा लोगी, तो तुम भी परमात्मा बन जाओगे, और परमात्मा नहीं चाहता कि कोई दूसरा परमात्मा बने, इसलिए मना किया है। उसने कहा कि नहीं, कहा खाकर देखो। तो ईव ने उस वृक्ष का फल खा लिया, फल खाते उसे ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया तो सोचने लगी मैं तो नंगी हूं, उससे पहले उसे पता ही नहीं था कि नंगी क्या होती, सोचा कि मैं तो नंगी हूं। उसने दौड़ करके पत्ते तोड़े और अपने शरीर के आगे पीछे लगा लिया, और इतने में ईव वो एडम आ गया। तो एडम ने आवाज लगाई, ईव कहाँ है, तो पत्ते लपेटे बाहर निकली। क्या बात है, अरे कहा तू ने क्या किया। अरे कहा देखो तुम भी इसका फल खाओ, अभी तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा। तो ईव ने एडम, ईव के कहने पर एडम ने भी उसका फल खा लिया, उसको भी ज्ञान हो गया, उसको भी ज्ञान हो गया। उसने भी देखा कि मैं तो नंगा हूं, उसने भी पत्ते तोड़ करके अपने आगे पीछे बांध लिए। अब दोनों अपने शरीर को ढक लिया। सायंकाल को जब परमात्मा आया उस बगीचे में सैर करने, मेरा कहानी सुनिए जरा ध्यान से। हाँ, ये लोग आज भारत में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म का प्रचार है या अधर्म का प्रचार है, जरा सोचिए। और ऐसे बुद्धि के दुश्मन लोग हैं जो उसके धर्म के अनुयायी बन रहे हैं, वैदिक धर्म को छोड़कर जो त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित है, अंधविश्वास के गर्त में गिरते जा रहे हैं। अब आप देखिए, अब आया वो घूमता हुआ, परमात्मा कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, जो भी कहिए, उसने देखा कि आज एडम ईव तो है नहीं यहां पर। आवाज लगाई, एडम कहां हो, तो वो देख करके झाड़ी में छिप गया था। झाड़ी से बोला कि पिताजी मैं यहां हूं। कहा वहां क्या कर रहा है, सामने आप। वो कहता मैं नंगा हूं, सामने नहीं आ सकता। ईव कहां है, कहा वो भी मेरे पास नहीं है। सामने आओ, कहा सामने नहीं आ सकता नंगे। कहा नंगे हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि नंगे हो। इसका अभिप्राय जिस वृक्ष का फल मैंने मना किया था उस वृक्ष का फल तूने खा लिया। कहा खा लिया, इसके कहने से खाया। वो कहता मैं, मुझे तो सांप ने बहकाया तो मैंने खाया। तो खुदा ने या परमात्मा ने या गॉड ने एडम और ईव को उस स्वर्ग के बगीचे से पृथ्वी पर ढकेल दिया। क्यों ढकेल दिया भाई, इसलिए कि वो ज्ञान वृक्ष का फल खाए थे। यानी बाइबल और कुरान ये बताता है कि यदि तुम लोग ज्ञान का आश्रय लोगे तो परमात्मा तुम्हें नरक में ढकेल देगा। अब सोचिए, दिल्ली में एक सज्जन है, तो कैलाश वाजपेयी उनका नाम है। तो एक बार वो हॉलैंड गए, मेरे आश्रम में ठहरे, वहां दो तीन दिन मेरे पास रहे। तो मेरे से कहा कि महाराज आप भारत में आते हैं थोड़े दिन के लिए, मुझे बताइए मैं कहाँ पर टेलीविजन पर आपका व्याख्यान में देना चाहता, आपके ज्ञान से लोग लाभान्वित हों। तो मैंने कहा मैं तो बहुत कम आता हूँ, कभी कभी आता हूँ तो आपको बताऊँगा। मैं आया तो उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका प्रोग्राम निश्चित किया है अमुक तारीख को, तो आप वहाँ ज़रूर एक घंटे बोलिए टेलीविजन पर। हमने कहा क्या बोलना होगा। कहा आप उसमें बताइए कि कुरान बाइबल और गीता में जो कुछ है संबंध। हमका संबंध में किस बात का संबंध, संबंध किस चीज का कराना चाहते हो। कहा आप ये बताइए कि तीनों में एक ही धर्म की व्याख्या की गई,
हम कहा भले आदमी मेरी बुद्धि बिल्कुल ठिकाने है। गीता कहती है कि नहीं ज्ञाने में सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु है नहीं। और उसमें बाइबल में और उसमें बताया गया कि ज्ञान के समान मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। भला बताओ मैं कहा समन्वय करूंगा दोनों का। इसलिए ये व्याख्यान तुम्हें मुबारक हो, मैं नहीं बोलता। मेरे कहने के प्राय कि आज हमारे देश के राजनेता जनता को एक ऐसे गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं ये बताकर कि सब धर्म एक है, सब धर्म एक है। धर्म एक कैसे हो सकते हैं जरा बताओ तो? ईश्वर को मान लेने से धर्म एक होता है? राम शिव के पुजारी थे, मालूम है कि नहीं? पूरी रामायण पढ़िए, भगवान शंकर इष्ट देव है राम के। जहां भी कहीं जाते हैं प्रातः काल उठ करके राम पहले शिव का पूजन करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं पूज पारथी नायउ माथा, पार्थी पूजन नित्य प्रति राम के जीवन का एक अंग है। और जब समुद्र के ऊपर पुल बांधते हैं तो एक ही कल्पना होती है उनको, करियो यहां सम्भुथापना। जब आप कोई बढ़िया चीज बनाते हो तो अपने इष्ट को याद करते हो कि नहीं, कि मैं यहां पर अपने भगवान के लिए एक मूर्ति बनाऊं, मंदिर बनाऊंगा। ऐसे भगवान कहते हैं, राम कहते हैं मैं शंकर की स्थापना करूंगा। तो शिव भक्त तो राम भी है और शिव भक्त रावण भी है, लेकिन दोनों के शिव में अंतर है कि एक ही है दोनों शिव, यह बताओ है? राम शिव की आराधना करते हैं लेकिन शिव से प्राप्त शक्ति का अपने लिए कभी प्रयोग किया ही नहीं। कोई बता दे कि राम ने अपने लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। और रावण कभी अपनी शक्ति का दूसरे के कल्याण में प्रयोग किया हो ये बता दो मुझे। वाल्मीकि से लेकर के अध्यात्म से लेकर के तुलसी रामायण तक कि रावण ने कभी किसी की भलाई की हो? रावण ने शिव की आराधना करके जो शक्ति प्राप्त की उसने किसी का कल्याण किया हो बता दो मुझे, या राम ने अपनी शक्ति से किसी का अकल्याण किया हो बता दो? ईश्वर को मानने मात्र से कुछ नहीं होता, ईश्वर को तो मानता था औरंगजेब भी, भारत के बड़े बड़े मंदिर ढहा दिए उसने। तो ईश्वर नहीं कहता था, खुदा कहता था। यदि खुदा यही सीख देता है मनुष्य को कि तुम दूसरे के घर उजाड़ दो, दूसरे की स्त्रियां लूट लो, दूसरे का धन लूट लो, दूसरे को कत्ल कर दो क्योंकि तुम्हारे विश्वास के विरुद्ध काम कर रहे हैं, विरुद्ध विश्वास है उनका, तो ऐसे ईश्वर को तो मैं दूर से नमस्कार करता। ऐसे ईश्वर हमें नहीं चाहिए। मानव को ऐसे ईश्वर की जरूरत नहीं है, मानव के एक ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो सबकी आत्मा है, जो सबका हितैषी है, जो सबके कल्याण की बात करता है, जिसकी दृष्टि में कोई भेद है ही नहीं। और जिसकी दृष्टि में भेद नहीं है वो तो भी मैं बताया है ना, भेद रहितम ज्ञानम, यहां भेद रहित है वही यथार्थ ज्ञान है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भारत में ही नहीं विश्व में इस समय जो शाश्वत सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है, विश्व के लोग जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके मूल में कारण है जो अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित नहीं है। वो ये नहीं मानता किसी में विश्वास करोगे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, कभी नहीं कहता। किसी में विश्वास करने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तुम्हें अपने ज्ञान के प्रकाश में, आत्म प्रकाश में। पूरी गीता आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भगवान ने यह बात नहीं कही है। विश्वास से मोक्ष नहीं, ज्ञान से मोक्ष होता है, याद रखो। और ईश्वर विश्वास का विषय भी नहीं है, तभी मैं आप लोगों को बताऊं। कुछ अज्ञानी लोग ये कहते हैं कि ईश्वर विश्वास का विषय विषय, ईश्वर विश्वास का विषय नहीं है, ईश्वर तो ज्ञान का विषय। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी, ये वेद का मंत्र है। तो कहता है उसको सूक्ष्म बुद्धि वाले सूक्ष्म दृष्टा ही देखते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं माना नहीं जाता, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः, हे अर्जुन मैं जाना जाता हूं, ज्ञातुम द्रष्टुम मैं देखा जाता हूं, और तत्त्वेन प्रवेष्टुम और मेरे में प्रवेश हुआ जाता है। ईश्वर ज्ञान का विषय है, अंधविश्वास का नहीं। धर्म ज्ञान का विषय है, अंधविश्वास का नहीं। धर्म का आधार त्रिविध विज्ञान है, ये बात याद रखना।
भौतिक विज्ञान उसकी पहली सीढ़ी, क्योंकि पहले आप कर्म करना ही सीखते, कर्म के प्रति आपकी आस्था होती है, कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं आप, जान में करें या अनजान में करें, लेकिन करते कर्म है। कर्म के बाद फिर आपकी दृष्टि जाती है अपने भाव पर, भाव। ये जो भौतिक विज्ञान है ये कर्म का क्षेत्र है, जो अध्यात्म विज्ञान है ये भाव का क्षेत्र है, और जो ब्रह्म विज्ञान है वो तत्वबोध का क्षेत्र है। याद रखो, ये त्रिविध विज्ञान है जिस पर सनातन धर्म प्रतिष्ठित है, भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है? कर्म, क्योंकि कार्य करण कर्तृत्व है, हेतु प्रकृति रुचिते। इन पंच महाभूतों से बना हुआ आपका शरीर किसके लिए है? कर्म के लिए। आप इसको रोके भी रखिए तब भी इसमें कर्म होगा। क्या आपके आंख बंद करके बैठ जाने से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा? क्या रहा आप लोगों? नहीं होगा ना। आपके हृदय की धड़कनें बंद हो जाएंगी, और यदि बंद हो गई तो आप रहोगे वहां पर? फिर तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ये कर्म का क्षेत्र है। इसलिए भगवान ने क्या कहा गीता के तीसरे अध्याय में? नहीं कश्चित क्षण अपनी जाति तुष्ट अकर्म कर। कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। याद रखना, लोग कहते हम तो कर्म से संन्यास ले लिए। संन्यास खाक ले लोगे तुम? संन्यास कहां से लोगे? कर्म तो तुम्हारे शरीर से होगा। तुम चाहोगे तब भी कर्म होगा, ना चाहोगे तब भी कर्म होगा। क्या श्वास का आना जाना बंद कर दोगे तुम? हृदय की धड़कन बंद कर दोगे तुम? शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बंद कर दोगे तुम? फिर कहां से कर्म बंद हो जाएगा तुम्हारा? ये तो प्रकृति का स्वभाव है, तो उसमें होगा। हां, यदि कर्म होगा ही तो देवता उसको सही दिशा में क्यों नहीं करते? कर्म तो होगा, लेकिन उस कर्म का यदि तुम सही दिशा में प्रयोग कर दो तो कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी दूसरे का भी कल्याण हो जाए। एक दिन मैंने बताया था, याद होगा शायद, आप सभी तो नहीं थे, कुछ लोग थे। उस दिन मैंने बताया था कि जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, उस धारा को यदि बांधना चाहे कोई हमेशा के लिए, बांध नहीं सकता। यदि उस पर कितना बड़ा ब्रिज क्यों ने बना दिए, डैम क्यों ने बना दो, वो पानी इकट्ठा होते वो डैम को तोड़ करके बाहर चला आएगा। लेकिन वहां से एक दूसरी नहर निकाल दो बगल से, तो पानी का डाइवर्शन तो हो सकता है लेकिन अवरोधन नहीं हो सकता। तो जानते हो ना, पानी रोका नहीं जा सकता, पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो वहां पर बांध करके डाइवर्शन कर देते हैं, बगल से निकाल देते हैं। तो यदि पानी अपने प्रवाह में बहता है फिर तो लाखों गांव को डुबो देता है, और यदि नहर के द्वारा बहता है तो लाखों एकड़ जमीन सींचता है, लोगों को अन्न मिलता है। अब आप बताइए, यही स्थिति है आपके कर्म की। आपके जीवन में कर्म तो होगा, यदि कर्म यदि शास्त्रानुसार आपने डाइवर्ट कर दिया, सही दिशा में कर दिया, तो आपका भी कल्याण होगा, आपके साथ हजारों लोगों का कल्याण होगा। अरे मैं यहां ज्ञान दे रहा हूं, ये कर्म ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? मैं कर्म से विरत हूं क्या? आप सुन रहे हो, कर्म से विरत हो रहे हो क्या? ये कर्म ही तो, और क्या? सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। ये सारे इंद्रियां कर्म ही तो कर रही है, क्या कर रही है? इसलिए कर्म के बिना तो एक क्षण भी आप नहीं रह सकते। तो ये कर्म विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। इसलिए आज का जो भौतिक विज्ञानी है वो कर्म के क्षेत्र में ही विकास कर रहे हैं। सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण करके उससे क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। जो काम हजार आदमी करते थे अब वो काम एक कंप्यूटर करने लगा। क्या किया उन्होंने? कर्म की शक्ति का विकास किया है ना, और कुछ किया? इस भौतिक जगत में कर्म की शक्ति का विकास किया उन्होंने। हम यहां बोल रहे हैं, ये ध्वनि प्रसारण यंत्र न हो तो इतनी दूर तक लोग मेरी बात सुन सकते हैं? नहीं सुनेंगे। ये कर्म का ही विस्तार हुआ ना। वर्तमान में भौतिक जगत जो है, भौतिक विज्ञान जो है, ये कर्म के विस्तार की ही सारी प्रक्रिया अपना रहा है। ये कर्म में ही लगा हुआ है, लेकिन ये कर्म अधूरा है, अधूरा, क्योंकि कर्म का परिणाम नहीं, परिणाम होता है भाव का, भाव का, याद रखना। और भाव किसे कहते हैं? स्वभाव अध्यात्म उच्यते। भाव जो है, स्वभाव जो है, उसी का नाम अध्यात्म है। कि कर्म जो है ये भाव से होता है, बिना भाव के कर्म हो ही नहीं सकता।
काज जो हम सोए रहते हैं और हमारे श्वास चलते रहते, इसमें भी भाव, बोले भाव, भाव क्या है? कहा चेतन। चेतन वहां उपस्थित है कि नहीं? कहा है। अरे चेतन की अनुपस्थिति में आपके श्वास चलते रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, ये तो कुछ नहीं होगा। कहा तो भाव किसे कहते हैं? स्वस्य भाव स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, गीता पढ़ी 8वां अध्याय, उसमें भगवान बताते हैं स्वभाव किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं। इसलिए ये भाव के द्वारा ही कर्म हो रहे हैं, भाव नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। तो कर्म का आधार क्या है? भाव है, और भाव क्या है? वही अध्यात्म है। इसलिए अध्यात्म को समझना, कर्म के पीछे भाव को समझना है। आप कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाव आपका यदि बुरा है तो परिणाम बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। रावण भी यज्ञ करने बैठा था। एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि राम यज्ञ की रक्षा के लिए उतार लिए थे या यज्ञ विध्वंस करने के लिए। हम कहा कि भाई ये तुम्हें भ्रम कहां से हो गया? कहा रामायण में लिखा है, राम ने स्वयं लक्ष्मण को कहा बुलाकर, यज्ञ विध्वंस करो तुम जाए। अब बताइए आप, राम यज्ञ की रक्षा के लिए उतार लिए थे या यज्ञ विध्वंस करने के लिए? क्योंकि त्रेता का धर्म तो यज्ञ है ना, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलो तधर कीर्तना। ये चारों युगों के चार धर्म बताए गए। तो त्रेता का धर्म क्या है? यज्ञ। और यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान उतार लिया यज्ञ के विनाश के लिए? मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि न तो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान अवतार लिए, न तो यज्ञ के विनाश के लिए। क्या फिर भगवान का अवतार धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था? असुर मार थापई सुरन राखई निज श्रुति सेत जग विस्तार विशद ये सदाम जन्म करे। और यही बात उपनिषद कहती है, धर्म मार्गम चरित्रेण ज्ञान मार्गम च नामतः तथा ध्यानात् तो वैराग्यम और ऐश्वर्यम सस्य पूजना। ये उपनिषद का वाक्य है कि परमात्मा का अवतार होता है धर्म मार्ग का उपदेश देने के लिए, और उनका नाम जो है वो ज्ञान की वृद्धि करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान मार्ग का उपदेश देता है, और उनका जो ध्यान है वो मनुष्य को वैराग्य देता है, और उनकी पूजा जो है वो मनुष्य को ऐश्वर्य देती है। कि पूजा में तन्मयता होती है, और ऐश्वर्य का अर्थ होता है ईश्वर भाव ऐश्वर्य, ईश्वर भाव की प्राप्ति। तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते आप ईश्वर भाव को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो भगवान के अवतार के प्रयोजन हैं, इसमें मुख्य प्रयोजन तो पहला धर्म है ना। तो जब भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं तो धर्म की रक्षा करते हैं, यज्ञ का जब विध्वंस करते हैं तो धर्म की रक्षा करते हैं। दोनों अवस्थाओं में धर्म की रक्षा होती है। दोनों अवस्थाओं में धर्म की रक्षा कैसे होती है? जो व्यक्ति लोक कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा है उसके यज्ञ की भगवान रक्षा करते हैं। किसके यज्ञ की रक्षा करते हैं भगवान? विश्वामित्र के। हो मकरन लागे मुनि झारी तो आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ की रक्षा किसके की? विश्वामित्र के। और यज्ञ विध्वंस किसका किया? रावण का। किसका किया? मेघनाथ का। और मेघनाथ के यज्ञ का स्वरूप बता रहा है विभीषण, क्या कह रहा है? मेघनाद मख करई अपावन खल माया भी देव सतावन जो सो सिद्ध हो न प्रभु पाई। यदि वो यज्ञ सिद्ध हो गया तब यह अदृष्ट जीता नहीं जाएगा। और कैसा यज्ञ कर रहा था जानते हो? ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं गोघृत के द्वारा, और जब रावण ये मेघनाथ यज्ञ करता है वहां जाते हैं देखते हैं क्या कर रहा है वो, आहुत देत रुधिर और भैंसा, हब की जगह पर भैंसे की मांस और घी की जगह पर उसका खून। ये यज्ञ है क्या? और इस आसुरी यज्ञ का भगवान रक्षा करते या वध करते इसका या विनाश करते?
ये लोक पावन ली नहीं, लोक अपावन के लिए यज्ञ हो रहा था। तो जो कोई भी लोग अपावन के लिए यज्ञ करेगा उसका भगवान भी ध्वंस करेंगे, क्योंकि वो धर्म की हानि में हेतु बनता है। और जो लोग कल्याण यज्ञ करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, वो कल्याण के लिए कर रहा है। कभी कभी ऐसे लोगों की भ्रांति हो जाती है। एक सज्जन मेरे पास आए, उन दिनों में भरत चरित्र बोल रहा था, तो एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि आप भरत की बड़ी महिमा गाते हो और राम की भी महिमा गाते हो आप, तो राम ने तो माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास ले लिया, और भरत ने उसी माता को गालियां दी, पिता को अपशब्द कहे, और आपकी दृष्टि में दोनों महात्मा धर्मात्मा कैसे हो गए? मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि राम ने पिता की आज्ञा मानकर क्या किया? कहा राज्य का त्याग किया। और भरत ने मां की आज्ञा ना मान करके क्या किया? क्या किया भाई? राज्य का त्याग किया ना। हम कहा हमारे सनातन धर्म में त्यागा अच्छा चिरंतरम। वेद क्या कहता है? वेद कहता है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न एकम, न प्रजा के द्वारा, संतानों के द्वारा, न कर्म के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न धन के द्वारा कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परमपद को प्राप्त सकता है। त्यागे न एकम, केवल त्याग के द्वारा ही परमपद की प्राप्ति होती है। ये वेद का निर्देश है। और वही त्याग राम भी करते हैं, भरत भी करते हैं। राम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए त्याग करते हैं, भरत माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके भी त्याग करते हैं। इसलिए हमारे लिए दोनों वंदनीय जो त्याग करता है। तुम भी त्याग करो, तुम भी वंदनीय हो जाओगे। आप क्या समझे? जब हम लोग महात्मा बने तो हमारे माता पिता आरती उतारते थे क्या? प्रसन्न होकर कह दिया बेटा चले जाओ, ना ना कोई नहीं कर रहा। अभी यहां किसी ने कहा कि एक बच्चा भेजते हैं आपके आश्रम में पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए, तो उसके घर वाले पूछने लगे कि वहां कोई सन्यासी तो नहीं बना लेंगे? मेरे से बताने लगे, हम कहा सन्यासी यदि इतना बुरा होता है तो मेरी पूजा क्यों करते भैया तुम लोग? यदि इतना बुरा होता है सन्यासी बनना तो उसकी पूजा क्यों करते हो तुम लोग? लेकिन लोग चाहते हैं मीरा पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं पड़ोस के, गुरु गोविंद सिंह पैदा हो अपना सर्वस्व नाश कर दे धर्म के लिए, देश के लिए, लेकिन पड़ोस के यहां पैदा हो हमारे आने, ये है अज्ञान। तो मैं आप लोग क्यों यह बताना चाहता था कि शाश्वत सनातन धर्म जो है वो त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित है, उसका भौतिक विज्ञान कर्म से संबंधित है, और उसका अध्यात्म विज्ञान जो दूसरा है वो भाव से संबंधित है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वस्वभाव स्वभाव, परमात्मा की अभिव्यक्ति। स्वभाव शब्द का अभिप्राय जीवात्मा भी होता है। उपनिषदों में स्वभाव शब्द के कई अर्थ किए गए। वो अध्यात्म विज्ञान है, और बिना अध्यात्म विज्ञान के जाने आप कर्म विज्ञान को समझ ही नहीं सकते, याद रखिए। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि कर्म का फल होता है या भाव का, तो क्या कहेंगे आप? एक सज्जन कहने लगे, शास्त्र में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, बिल्कुल सी, लेकिन शुभाशुभ कर्म का अभिप्राय क्या है? जो किया जाता है वो है, या शुभाशुभ भाव है उसके पीछे? आप जरा पतंजलि से, पाणिनि से पूछिए कि कर्म का क्या अर्थ होता है, वो बताएंगे। कर्तु इप्सितमं कर्म, कर्म किसे कहते हैं? कहा कर्ता जिसे चाहता है वो कर्म है, कर्ता जो कर रहा है वो कर्म नहीं, वो तो क्रिया है, तो क्रिया का फल नहीं होता। फल किसका होता है? जो कर्ता चाहता है उसका फल होता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि एक आदमी यदि चार छह आदमियों का वध कर दे तो उसको कोर्ट के द्वारा क्या मिलेगा? फांसी की सजा, यही ना। और एक आदमी 100 आदमी का वध करके आता है और उसको परमवीर चक्र मिलता है, क्या समझे? मिलता है कि नहीं? तो मारा तो दोनों ने, हिंसा दोनों ने की है, एक को परमवीर चक्र क्यों मिल रहा है और एक को मृत्युदंड क्यों मिल रहा है? कारण क्या भाई? किसी के घर में आग लगा दे तो उसको आतताई कहते हैं। आतताई के 6 लक्षण बताए हैं शास्त्र में।
मनु महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है, अग्निदो गर्दस चैव शस्त्र पाणी धनर्पः क्षेत्र दया पहरता तो सड़ते आतताय। जो दूसरे घर में आग लगावे, दूसरे को विष देकर मारे, अग्निदो गर्दस चैव शस्त्र पाणी, जो हाथ में शस्त्र लेकर किसी को मारने के लिए दौड़ता है वो भी आतताय है, और किसी के धन को हड़पता है वो भी आतताई है, किसी की स्त्री को हड़पता है वो भी आतताई है, किसी की जमीन को हड़पता है वो भी आतताई है। छह प्रकार की आतताई है, और उसमें सबसे पहला आतताई कौन है जानते हो? अग्नि, दो अग्नि लगाने वाला। और सारी लंका फूंक दिया हनुमान जी ने। आप कहोगे आतताई थे वो, क्या रहा है आप लोगों की? हम उनकी स्तुति करते हैं, आद आए थे नहीं वदा हलंकाम, स्तुति करते हैं ना, उनकी यही प्रशंसा करते हैं कि आपने पूरी लंका जला दी। भगवान ने जब पूछा कि हनुमान ये बताओ तुम कहू कब रावण पालित लंका, कहीं भी दिते हो दुर्ग अति लंका, तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं लंका थोड़ी जला, नाग सिंह हाथ कपूर जा रहा, मैं तो पहले 100 योजन समुद्र डाक गया और उसके बाद में सोने की लंका जलाई, लकड़ी की जलाई होती तो कोई आश्चर्य नहीं था, सोने की लंका। और कनक कहे बाण जिन कनक दाहे, सोने को यदि आग में डालो तो और चमकता है, जलता कहाँ है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैंने हाथक पुर जाला सोने की लंका जला दी, ये आश्चर्य की बात थी। और आज हम उनको लंका जलाने वाले की स्तुति करते हैं, आतताई तो नहीं, क्यों स्तुति करते हैं भाई? इसलिए कि रावण से हनुमान जी का कोई बैर नहीं था। लंका क्यों जलाए फिर? क्या उन्होंने साफ कहा था? क्या कहा था? रावण के दरबार में जब गए खड़े हुए तो क्या कहा उन्होंने? कहा रावण देखो हमारी नीति क्या है, जे मोहि मारा ते ही मैं मारा, ये हमारी नीति कि जिसने हमें मारा उसको हमने मार दिया। ये नहीं कि कोई मारे तो गांधी जी की तरह कहे नहीं नहीं शांति रहो शांति रहो, तो गांधी जी की नीति होगी, उसने भारत का सर्वनाश करा, 32 लाख लोग मारे गए स्वतंत्रता के नाम पर, 32 लाख हिंदू मारे गए थे उन दिनों, यदि युद्ध होता तो इतने आदमी कभी न मरते, लेकिन शांति के गीत गाते अहिंसा के गीत गाते 32 लाख का वध हो गया था। जब भारत का विभाजन हुआ तब की बात बता रहा हूँ, आप में से बहुत लोग होंगे सो जानते होंगे उसे, लेकिन हनुमान जी की नीति है जो महिमा मारा ते ही मैं मारा, जिसने मारा मुझे उसको मैं मारा, वो मर गया हम जीत रहे से मैं मारा क्या दोष, मारा तो उसने भी हमें भी मारा हमने भी मारा। लेकिन अभी एक बात ही रह गया है बदला लेना, कहा क्या कहते ही पर बांधे तो नहीं तुम्हारा, लेकिन उसके उपरांत तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, अभी इसका बदला मैंने नहीं लिया है, और इसका बदला बाकी है, और उसका बदला क्या समझ कर लेंगे जानते हो ना लंका जलाकर। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि बांधे कर न मोहि कछु लाजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा, मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं इसलिए बंधने का मुझे कोई शर्म है ही नहीं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि प्रभु कार्य की पूर्ति में यदि लंका जलाते हैं हनुमान जी तो उसके पीछे उनका भाव क्या है? आतताई का भाव है क्या? नहीं, क्रिया तो वही है, भाव अलग है। एक और घटना सुनाऊंगा आपको रामायण की। द्रौपदी का केश पकड़ करके दुशासन ने खींचा, इसलिए भगवान ने वही प्रतिज्ञा कर ली कि इसका वध करूं, इन कौरवों का विनाश करूं। और भीम ने प्रतिज्ञा की कि जिस हाथ से इसका केश पकड़ कर खींचा है उस हाथ को मैं उखाड़ करके इसका रक्त पीऊं। भगवान को भी बुरा लगा और भीम को तो लगना ही था, उसकी स्त्री थी। लेकिन जब रावण यज्ञ करने बैठा तो रावण ने निश्चय किया कि मुझे यज्ञ से कैसे उठाया जा सकेगा, यदि मेरा यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाए फिर तो मैं विजयी हो जाऊंगा, और यदि मेरे यज्ञ में विघ्न पड़ गया फिर तो मैं मारा जाऊंगा। तो मेरा यज्ञ कैसे निर्विघ्न समाप्त हो सकता है, कैसे मैं उठ सकता हूं? कहा बंदर आएंगे
या योद्धा आएंगे, हमें मारेंगे, लतियाएंगे, गालियां देंगे, इससे मैं नहीं उठूंगा। उसने कहा मेरे उठने केवल एक ही कारण हो सकता है कि मैं मंदोदरी का अपमान नहीं सह सकता। क्या समझे? मंदोदरी का अपमान मैं नहीं सह सकता। यदि मंदोदरी सुरक्षित रहे तो सारी लंका कोई फूंक दे, मेरे यज्ञ में कोई विघ्न नहीं पड़ने वाला। तो उसने क्या किया कि यमकातरी नाम का एक यंत्र है, यमकातरी, उसमें ले जाकर मंदोदरी को बंद कर दिया। और उसने निश्चय किया कि यमकातरी को केवल दो आदमी तोड़ सकते हैं, केवल दो, तीसरा कोई नहीं तोड़ सकता, एक तो राम और दूसरे हनुमान, यही दो यमकातरी को तोड़ सकते, तीसरा कोई तोड़ नहीं सकता। तो राम तो दृढ़ प्रतिज्ञा है, वो नगर में आएंगे ही नहीं, राम कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते, वो नगर में आएंगे ही नहीं। और हनुमान, हनुमान बाल ब्रह्मचारी है, स्त्री को छुएगा ही नहीं, इसलिए मंदोदरी सुरक्षित रहेगी और मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। जब विभीषण ने आकर बताया कि रावण एक यज्ञ कर रहा है, यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो विजयी, यानी उसको जीतना मुश्किल होगा, तो भगवान राम ने आदेश दिया कि यज्ञ को विध्वंस करो। अब यज्ञ विध्वंस करने गए तो वहां पर रावण उठा ही नहीं, अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, वो नहीं उठा। अब सब घबरा गए कि कैसे होगा, इसका यज्ञ तो पूरा होने वाला है। हनुमान जी ने विचार किया कि एक ही उपाय है रावण को उठाने का, कि रावण के सामने मंदोदरी को अपमानित किया जाए, तभी उठेगा। लेकिन मंदोदरी कहां है, कौन अपमानित करेगा उसे? हनुमान जी ने ध्यानस्थ होकर देखा कि यमकातरी में बंद है, तो यमकातरी को राम तो आएंगे नहीं तोड़ने। हनुमान जी ने कहा बेटा ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने जाकर के यमकातरी को तोड़ा, तोड़ यमकातरी, हाँ विजय हो, जीत करके क्या करूंगा, जीवित रहकर क्या करूंगा। और जब वो छोड़ दिया, उठ गया रावण, तो हनुमान जी ने मंदोदरी के पांव पकड़ लिए, मां मेरे ऊपर क्षमा करना, मेरा कोई बुरा भाव नहीं था। मेरे कहने के अभिप्राय कि काम वही किया, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल है राक्षसों का संहार, आसुरी वृत्तियों का दमन, धर्म की संस्थापना। धर्म की संस्थापना के लिए तो भगवान कृष्ण ने एक परम धर्मात्मा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का वध करा दिया, और की बात छोड़िए। इसलिए उद्देश्य क्या है आपके कर्म में, ये कहां से पता चलेगा आपको? ये अध्यात्म विज्ञान बताएगा आपको, ये भौतिक विज्ञान से आपको पता नहीं चलेगा कर्म का उद्देश्य क्या है, ये चलेगा? तो भौतिक वैज्ञानियों से मैं पूछता हूं कि तुम्हारे कर्म का प्रयोजन क्या है, तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो तुम तब उसे समझोगे जब अध्यात्म विज्ञान में जाओगे। ये कर्म तुम्हारा विश्व के लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी, आपको मालूम होना चाहिए। जिसने सर्वप्रथम अणुशक्ति का विस्फोट किया था उसका नाम था ओपनहाइमर। वो एक यहूदी था, अमेरिका में रहता था। सबसे पहले उसने अणुशक्ति का विस्फोट किया था कैलिफोर्निया में, और वो गीता का नित्य पाठी था, गीता का अनन्य भक्त था। उसकी जीवनी में पढ़ रहा था तो पहले गीता वो अंग्रेजी में पढ़ता था, बाद में उसने मूल रूप से गीता जानने के लिए 3 वर्ष तक संस्कृत पढ़ी, और संस्कृत पढ़कर फिर वो गीता का पाठ करता था। और जिस समय उसने अणुशक्ति का विस्फोट किया तो सर्वप्रथम जो ज्वाला निकली, ज्वाला के देखते उसके मुंह से एकाएक निकला वह गीता के 11वें अध्याय का श्लोक, दिव्य सूर्य शस्त्र से भवद्युग्पदुत्थिता, एकाएक बोल उठा वो दिव्य सूर्य शस्त्र से भवद्युग्पदुत्थिता। आज जहां पर ओपेनहाइमर का स्टेचू लगा हुआ है उसके नीचे गीता का श्लोक लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से कुछ मील दूर पर। मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि उसको जब उसने अणुशक्ति का प्रयोग किया, विस्फोट किया, और यह देखा कि इसका अब राजनीति लोग दुरुपयोग करेंगे, तो उसने वहीं उस काम को बंद कर दिया। और अमेरिका के अणुशक्ति का वो प्रधान था, अमेरिका सरकार ने उसको वहां से मुक्त करके अलग कर दिया, अलग कर दिया, और कहा कि तुम अब राष्ट्रद्रोही हो रहे हो, तो राष्ट्र के लिए अणुशक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हो, निर्माण नहीं कर रहे हो। और उसने कहा कि नहीं, मैं अनर्थकारी काम नहीं कर सकता। मेरे कहने का अभिप्राय कि आज वही अणुशक्ति विश्व के विनाश का कारण बन गई,
भौतिक विज्ञान ने तो उसका अनुसंधान किया, उसे विश्व का कल्याण भी हो सकता है, लेकिन वह विश्व के कल्याण में हेतु नहीं, विश्व के विनाश में हेतु बनी हुई है। आज आप जरा सोचिए, भौतिक विज्ञान आपको दिशा नहीं दे सकता, क्योंकि दिशा देने के लिए अध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता है, यह दूसरा विज्ञान है। और सनातन धर्म के पास भौतिक विज्ञान के साथ अध्यात्म विज्ञान रहा है, और अध्यात्म विज्ञान के परे ब्रह्म विज्ञान है, यह भी याद रखो। और ब्रह्म विज्ञान किसे कहते हैं उसके विषय में आप लोगों को कल बताऊंगा, कल मेरे इस विचार का आखिरी दिन है, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि सनातन धर्म के मूल आधार ये त्रिविध विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। इसको हमारे यहां कहते हैं मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस और मेटाफिजिकल साइंस अंग्रेजी भाषा में। तो आप लोग इस विषय में कल मेरे से विचार सुनेंगे। अभी कल तक मैं हूं आपके इस क्षेत्र में, जो लोग मेरे से मिलना चाहें बड़े प्रेम से मेरे पास आकर के 10 बजे के बाद मुझसे मिल सकते हैं दिन में। अब प्रार्थना कीजिए और फिर जाने का उपक्रम कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप लोग जानते हो आपके यहां इस क्षेत्र में मेरे प्रिय शिष्य तिवारी जी ने ये 7 दिन का कार्यक्रम रखा था, उसमें आज 6ठा दिन पूरा हो गया, कल आखिरी दिन है। और मैंने 7 दिनों में सनातन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है, विवेक के प्रकाश में, तर्क के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में। कहीं भी भ्रांति यदि आपको दिखाई दे तो मेरे पास आकर समझ सकते हो, उस भ्रांति को दूर कर आप लोगों को शाश्वत सनातन धर्म के यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराने का मैंने प्रयत्न किया है। और इसी से संबंधित और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको 7 दिनों में नहीं सुना सकता। अब आप कल आना और मेरे से बातचीत करना, फिर मेरी बात सुनना, फिर कभी दैवी इच्छा हुई तो मिलेंगे। हरिओम।